ये है दोस्तों फायर बोर्ड की तरफ से आने वाली फायर बोर्ड अल्टीमेट। ये है राउंड शेप स्मार्ट वॉच। इस स्मार्ट वॉच के अंदर आपको ब्लूटूथ कॉलिंग, हार्ट रेट एंड SpO2 और भी मल्टीपल आपको फीचर देखने को मिलता है। बात कीजिए इसकी प्राइस का, तो 1799 रुपए का प्राइस है। और इस प्राइस में देखते हैं क्या ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, हमें ये फीचर अच्छे से मिलता है या नहीं मिलता है। चलो फिर इसका डब्बा खोल करते हैं और आपको दिखाते हैं क्या है इस वॉच के अंदर और आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। चलो अभी स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो ये दोस्तों हमारा स्मार्ट वॉच जिसका नाम है फायर बोल्ट अल्टीमेट, और यहाँ पे आपको फुल डिस्प्ले आपको दिखने को मिलेगा। डिस्प्ले की बात की जाए तो 35.3 mm का डिस्प्ले देखने को मिलेगा और 1.39 इसका रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, और 123 स्पोर्ट्स मोड है जो कि यहाँ पे शो हो रहा है। बात की जाए तो यहाँ पे कुछ फीचर है, यहाँ पे बात की जाए तो प्राइस है 14,999, जो कि बहुत ही गलत है। पता नहीं किस बेस पे इन्होंने MRP सेट कर रखा है। और कुछ देखने को नहीं मिलता है। पीछे बात की जाए तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कॉलिंग है, ट्रैक SpO2 है, स्लीप मॉनिटर है, कैमरा है और मल्टी वॉच फेसेस, म्यूजिक कंट्रोल, स्मार्ट नोटिफिकेशन एजेसम जो दिया हुआ है। और आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है डू फिट ऐप, जो कि थर्ड पार्टी ऐप है फिट फायर बोल्ट की। तो बस इसे ज़्यादा बकवास ना करते, ओपन करते बॉक्स को, आपको दिखाते हैं क्या क्या है। तो बस इसे ओपन करते सिंपली, तो यहाँ पे आपको मिलता है प्रोटेक्टर जो कि इसे हटाते हैं, और ये है हमारा मेन वॉच, इसको अभी साइड रखते हैं। अंदर देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिल रहा है 2-पिन चार्जर, और आपको मिलता है यहाँ पे यूजर मैनुअल गाइड जो कि यहाँ पे अच्छा लग रहा है। यूजर मैनुअल गाइड ठीक ठाक है, बहुत काफ़ी मोटी है, बट मुझे नहीं लगता कि ये क्यों देते हैं फालतू में। और यहाँ पे आपको मिलता है कुछ कार्ड लाइक सब्सक्रिप्शन, वारंटी और भी देखने को मिलता है जो कि साइड रखते हैं। और मूवी के लिए भी आपको मिल रहा है जो कि आपको डिस्काउंट मिलेगा, इसको साइड रखते हैं। मेन पॉइंट पे आते हैं वॉच का। तो ये हमारा दोस्तों वॉच, यहाँ पे आपको फायर बोल्ट शो हो रहा है, यहाँ पे इसका सेंसर है, 2-पिन चार्जर है जो कि आप इसे चार्ज करोगे, और स्ट्रैप की बात की जाए तो सिलिकॉन का है बट इसमें लेदर का फिनिशिंग दिया हुआ है जो कि काफ़ी इन्फीरियर लग रहा है मुझे, जो कि अच्छी नहीं लग रहा है। और इसके निकालते हैं इसका स्किन को और दिखाते हैं आपको क्या क्या है इसमें देखने को मिल रहा है। तो नॉर्मली यहाँ पे आपको स्पीकर मिल रहा है, यहाँ पे आपको माइक्रोफोन का दिया हुआ है जो कि आपका वॉइस को इसमें रिकनाइज करके आपको बताएगा। और यहाँ पे आपको स्लाइडर मिलता है जो कि आप स्ट्रैप को निकाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग और दूसरा स्ट्रैप लगा भी सकते हो। तो बस इसे ऊपर ऑन करते हैं और दिखाते हैं क्या है। तो यहाँ पे आपको ओपन होते ही फायर बोल्ट का शो हो रहा है, यहाँ पे साइड साइड कुछ नंबर दिया हुआ है जो कि अच्छा लग रहा है। यहाँ पे अगर आप प्रेस होल्ड करोगे तो आप वॉच फेसेस को चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, या कस्टमाइज करना है तो इसके ऐप के साथ कस्टमाइज कर सकते हो और आप इसमें फ़ोटो अपना लगा सकते हो बढ़िया वाला, ये लगाया मैंने ठीक है। बात की जाए यहाँ पे आपको मिलता है एक एक्शन बटन जो कि इसके सीधे स्विच करते ही आप सीधे स्पोर्ट्स मोड में जा सकते हो और अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। तो बात करते हैं इसका स्पोर्ट्स मोड है जो कि है वर्कआउट, वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्किपिंग, योगा, फुटबॉल, स्विमिंग, ये चीज़ें दी हुई जो कि ठीक है। 123 स्पोर्ट्स मोड है और आप कस्टमाइज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो स्पोर्ट्स मोड का ज़्यादा अभी तक यूज करते नहीं है। तो दोस्तों अगर बात किया जाए और फीचर क्या मिलता है, तो यहाँ से अगर ऊपर स्लाइड अप करते हैं तो यहाँ पे आपको बैटरी परसेंटेज शो हो रहा है, यहाँ पे कॉलिंग का सिंबल है, और यहाँ पे आपको थिएटर है, फ्लैश लाइट है जो कि ठीक है, काम कर सकता है, वाइब्रेशन मोड है और ब्राइटनेस का भी ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पे आप ब्राइटनेस को कस्टमाइज़ कर सकते हो। इसकी ब्राइटनेस की बात की जाए तो 550 निट्स की इसकी ब्राइटनेस जाती है जो कि देखो कितनी अच्छे से उभर के आती है। और देखा जाए तो यहाँ पे अगर सेटिंग में जाके बात करते हैं तो यहाँ पे स्टॉप वॉच है, अलार्म है, थीम है, मेन्यू है, ब्राइटनेस है, वाइब्रेशन, रिंगटोन, थिएटर, रिसेट, पावर ऑफ, जो नॉर्मल सब में होता दोस्तों है। अगर और फीचर की बात की जाए तो यहाँ पे आप स्टेप है, स्लीप, हार्ट रेट, वर्कआउट, ब्लड प्रेशर, SpO2, AI वॉइस मैसेज, वेदर, शटर, प्लेयर, फ़ोन कॉल और भी गेम्स, फ्लैश लाइट सेटिंग जो कि नॉर्मल सभी में आता है। और भी चीज़ें यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आपको मिल रहा है टुडे में जो आपको मिल रहा है, हेल्थ मिल रहा है, फ़ोन कॉल, वॉइस, वेदर और शटर, प्लेयर जो कि है, यहाँ पे आपको गैलरी मिला है जो कि आप फोटो चेक कर सकते हो, यहाँ पे आपको एक्शन बटन मिलता है जो कि आप स्पोर्ट्स मोड में जा सकते हो, बस और कुछ नहीं देखने को मिलता है। देखा दोस्तों वॉच की क्वालिटी ठीक ठाक है, फीचर भी आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, बट हाँ ठीक है। 123 स्पोर्ट्स मोड है जो कि यार बहुत लोग यूज नहीं कर पाते हैं, 123 क्या ही यूज करेंगे स्पोर्ट्स मोड का। अगर आपको लेना चाहो तो ले सकते हो। बात करते हैं इसका प्राइस का,
तो 1799 रुपए का प्राइस है और इस प्राइस में आपको ठीक ठाक वॉच देखने को मिल रहा है। अगर आपको एज ए सर्कल वॉच में चाहिए तो आप इसे ले सकते हो, बट ज्यादा फीचर नहीं है। बात की जाए कि ये पानी में लेके जा सकते हो या नहीं, तो मेरा रिकमेंड है नहीं, बिकॉज ये IP68 नहीं है और ये पूरा बॉक्स में क्लियरली मेंशन नहीं है कि IP60 है। ये ब्लूटूथ कॉलिंग है जो कि आप कॉलिंग कर सकते हो ऐप के थ्रू। बस यही है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसी मजेदार वीडियो आपको मिलता रहेगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू गाइस।